समय से आए हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी के नहीं, हम हिंदू है, यूं कह रहे हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक है, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये RSS वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली, अरे बैठो आप, आप बैठो, जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना हमारे पे थोपो मत, आप हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग है। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे TSP एरिया की से पूरे आदिवासी पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ ही ये मोदी जी तो वैसे भी आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज जो भी मिला है कांग्रेस की वजह से दिया है। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय है, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये मोदी जी के हाल है। आदिवासी को खत्म करना चाहते देश में, आदिवासी को नष्ट करना चाहते, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूँ, बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।